हाय फ्रेंड्स, मैं लता और मेरे लता टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। मैं रांची से हूँ और यहाँ पर देखिए सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में प्लांट की खूबसूरती बहुत ही निखर जाती है। तो ये बिना मौसम के बारिश का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और बिना बारिश के मौसम का है। यहाँ जब बारिश हो रही है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे ये लग रहा है कि आज मेरे प्लांट को अच्छी तरह से पानी मिल जाएगा और ये अच्छी तरह से धुल जाएंगे। और ये बारिश का पानी जो होता है इनके लिए काफ़ी ही अच्छा होता है और ये सारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज मैं इसे आपको बतलाऊँगी कि मैं इस बारिश के पानी का क्या क्या उपयोग करती हूँ और ये कैसे हमारे प्लांट के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ बारिश हो रही है जिसके कारण सारी पत्तियाँ, जितने भी प्लांट्स की पत्तियाँ हैं, सारी अच्छी तरह से धुल गई हैं और जिसके कारण हमारे सारे प्लांट बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। और आज मैं मेरे जितने भी इंडोर प्लांट्स थे उसे बाहर निकाल कर रख दी हूँ और भी कुछ प्लांट्स थे जो शेड में थे उन्हें भी मैं बारिश में रख दी हूँ ताकि वे अच्छी तरह से धुल जाएं। जब इनकी पत्तियाँ अच्छी तरह से धुल जाती है तो प्लांट में जो पत्तियों की जो पीछे में छिद्र सब होते हैं वो अच्छी तरह से खुल जाते हैं और पत्तियाँ में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी तरह से होने लगती है जिससे प्लांट का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होने लगता है और हमारा प्लांट अच्छा हो जाता है। और देखिए गर्मी के कारण जो हमारे पौधे झुलस गए थे या जिनकी पत्तियां ख़राब हो गई थी वो भी बारिश के पानी के कारण अब वो रिकवर कर लेंगे अपनी पत्तियों को, वो सुंदर हो जाएंगे। और देखिए ये कुछ बारिश के कारण मेरे फ्लावर इसमें एक जोड़ा के फ्लावर खिल भी गए हैं आज और ये काफ़ी खूबसूरत से लग रहे हैं। यहाँ भी कोलियस में देखिए इनकी पत्तियाँ भी धुल गई हैं तो ये कितने चमकदार और सुंदर लग रहे हैं। लग रहे ये पॉलिश की हुई है और बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो हमें भी अपने जितने सारे प्लांट हैं सारे को अगर आप निकाल कर बारिश में रख सकते हैं तो रख देना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये इसका टॉनिक है और इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो जाता है इस बारिश के पानी से। तो और भी इसमें अगर हम किसी कारण से इसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो इसके लिए भी मैं एक उपाय बताना चाहती हूँ। अगर आप अपने इंडोर प्लांट्स को या फिर शेडेड एरिया वाले प्लांट को किसी कारण से अगर पानी में नहीं निकाल सक रहे हैं तो आप एक उपाय कर सकते हैं। आप कुछ बकेट में या कुछ टब में ये पानी को कलेक्ट कर ले और इसी पानी से 2-3 दिनों तक वाटरिंग करें पौधों को या फिर इसे बोतल में डालकर अच्छी तरह से प्लांट में स्प्रे कर दें। तो ऐसा स्प्रे कर देने से भी प्लांट्स को ये बारिश का पानी मिल जाता है और वो फिर से अच्छे से ग्रोथ करने लगते हैं और सुंदर से हो जाते हैं। और तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और देखिए ये बारिश में कुछ मैं अपने गार्डन में खिले हुए फूलों को भी दिखला रही हूँ। ये देखिए बारिश के पानी से कितने निखर गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसका भी मैं लुक आपको दिखला दे रही हूँ। ये भी देखिए येलो हिबिकस खिला हुआ है और ये बारिश के पानी में कैसे झूम रहा है। यहाँ भी देखिए एडेनियम, ये एक रेड और पिंक है। यहाँ कुछ टमाटर भी लगे हुए हैं, इधर गुलाब का फ्लावर भी खिला हुआ है और ये बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये बिन मौसम के पानी का हमें उपयोग करना चाहिए और इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और मैं तो इसका फ़ायदा उठा रही हूँ और मुझे ये काफ़ी पसंद भी आ रहा है कि आज इतना बारिश का पानी मुझे मिल गया है और मेरे सारे प्लांट को मैं धुल दी हूँ और कुछ पानी भी मैं इकट्ठा करके रख ले रही हूँ ताकि मैं इसे 2-3 दिन तक उपयोग कर सकूँ और प्लांट में स्प्रे भी कर सकूँ। तो इससे ये मेरे पौधे के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Thank you.